आर्टिकल के विषय में पढ़ने जा रहे हो। कल हम पढ़ा दिए थे आर्टिकल क्या होता है, फिर भी आज उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि एन द को जो है आर्टिकल कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं और इसमें हेडिंग आपको डलवाया गया है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन का स्थान क्या होता है, जिसमें पहला नियम लिखा गया है आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज बुक, आई हैव पेन, यू हैव डॉग। अब इसमें देखिए बुक क्या है, नाउन है, और पेन क्या है, नाउन है, डॉग क्या है, नाउन है, लेकिन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं दिया है। ये तीनों सेंटेंस क्या हो गए, गलत। अब इसको करेक्ट करना है तो पहला सेंटेंस क्या होगा, दिस इज अ चेयर, और दूसरा क्या होगा, आई हैव अ पेन, और तीसरा क्या होगा, यू हैव अ डॉग। ध्यान दो, मैं बोला हूं यहाँ नियम आर्टिकल का प्रयोग नाउन के ठीक पहले होता है। अब इसमें नाउन क्या है, चेयर के पहले आर्टिकल लगा है, फिर यहाँ देखो पेन के पहले, फिर ये देखो डॉग के पहले। इसका मतलब ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सही हो गया। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो। आप लोग जितना जल्दी हो नोट करिए, फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाया जाए। हो गया, दूसरा नियम लिखो, बोले रोल नंबर टू, रोल नंबर टू क्या बनेगा, यदि नाउन के पहले, लिखिए यदि नाउन के पहले, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो वो आर्टिकल हमेशा, आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव के पहले, उस एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है। देखियो, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो आर्टिकल हमेशा उस एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है, यानी किसके पहले होगा, एडजेक्टिव के।
देखो यहाँ फार्मूला देखो इस पर आ रहा है कि नहीं। यहाँ देखो रूल क्या है, यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव दिया हो तो आर्टिकल हमेशा उस नाउन उस एडजेक्टिव के पहले प्रयोग होता है। यही लिखे हो, अब ध्यान दो। आई बॉट, यहाँ लिख दिए आई बॉट ब्लैक अम्ब्रेला। आई बॉट ब्लैक अम्ब्रेला, और दूसरा सेंटेंस हम लिख दिए आई बॉट ए ब्लैक अम्ब्रेला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहला सेंटेंस लिखा है आई बॉट ब्लैक अम्ब्रेला, और दूसरा लिखे हैं आई बॉट अ ब्लैक अम्ब्रेला। कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट होगा? दूसरा होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको हम थ्योरी दिए हैं, आपको थ्योरी क्या दिए हैं कि आर्टिकल इसका फार्मूला बन जाएगा आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अर्थात देखिए अम्ब्रेला आपका क्या है? नाउन। और इस नाउन के पहले क्या दे दिया? तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल। इसका मतलब इस फार्मूले को आप फॉलो करोगे, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव के पहले क्या यूज होगा? आर्टिकल। अब देखो इसमें पहला सेंटेंस क्या हो गया और दूसरा क्या हो गया, पहले इसी फार्मूले को फॉलो करना है। समझ में आया? नोट करो, आवाज नहीं। डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, समझ रहे हो ना? हाँ दिख रहा है क्या? क्या करेंगे छोड़े? हाँ आप लोग थोड़ा सा फास्ट नोट करिए, फिर आगे जो है मतलब हो गया? हो गया जी, एग्जांपल सही तो हो गया, ये फार्मूला नोट किए। तीसरा रो नंबर थ्री, बोला देखिए यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव के पहले, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया हो तो आर्टिकल हमेशा उस आर्टिकल हमेशा उस एडवर्ब के पहले
नियोग होता है यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया हो तो आर्टिकल हमेशा उस एडवर्ब के पहले नियोग होता है। इसका देखो फार्मूला क्या बना, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। इसी फार्मूले को चलना है लेकर के, इसी फार्मूले को फॉलो करना। देखो एक मिनट समझ लो, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया हो तो आर्टिकल हमेशा उस एडवर्ब के पहले प्रयोग होता है, सही है ना। जैसे यहां लिख दें यू आर वेरी गुड बॉय, लिख दिए यू आर वेरी गुड बॉय। अब इसमें देखो क्या है, एडवर्ब भी है एडजेक्टिव भी है नाउन। मैं नियम क्या बोला हूं, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव, नाउन क्या है बॉय, और बॉय के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल क्या बोल रहा है, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो इस फार्मूले पर जब चलोगे तो क्या बनेगा इसका उत्तर, You are a very good boy, यही बनेगा ना। अब देखो यहाँ आर्टिकल ये आ गया, एडवर्ब वेरी एडजेक्टिव गुड बॉय नाउन, ये सेंटेंस आपका गलत और ये क्या हो गया सही। जल्दी नोट करो, हो गया। अगला नियम लिखो, देखो बोला इस पर देखो आर बोल क्या लिख रहे हैं, हाँ चौथा नियम जो भी हो, All both such, all both such have, all both such have के पहले के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। आल बोथ सच हाफ के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। अब इसमें देखो यहां लिखना हम आई वांट सच पेन, और यहां लिख दें आई वांट सच अ पेन। ध्यान दो इधर, आई वांट सच पेन,
इस सेंटेंस में देखो सच लगा है और नियम में क्या है सच, नो आर्टिकल, ये पहला सेंटेंस क्या हो गया। और यहाँ देखो पेन है और सच है, तो पेन के पहले क्या हो गया मैं नियम बोला हूँ आल वो सच और हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग आल बात कर आल ऐसे लिख लीजिए आल बोध सच हाफ के पहले, पहले भी लिख दो और बाद भी लिख दो आल बोध सच हाफ के पहले या बाद, के पहले या बाद आर्टिकल आता है या आर्टिकल का प्रयोग होता है। देखो कैसे इसमें देखो क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो बाद में आया है ना, बाद में आया है आल बोध सच हाफ, ये लिखे हो ना ये पहले या बाद ये लिखे हो, तो आप पहले काट करके सिर्फ बाद लिखो ना, आप पहले काट, पहले काट करके केवल बात करिए, यहाँ लिख दे रहे हैं यार के बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है, ध्यान दो इधर आल बोध सच हाफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस देखो आल, ठीक है आल द बॉयज केम टू मी, यहां देखो इस सेंटेंस को आई वांट सच पेन, अब इसमें नियम है देखो सच लिखा है ना, सच के बाद कोई आर्टिकल है इसलिए मेरा पहला सेंटेंस क्या हो रहा है, अब सच के बाद यहाँ देखो पेन के अनुसार आर्टिकल लगा है तो मेरा क्या होगा ये करेक्ट, यहाँ देखो ऑल द बॉयज केम टू मी मतलब सभी लड़के मेरे पास आए, ऑल इसमें है नियम में और आल के बाद क्या लगा तो आर्टिकल है ना, ये भी मेरा सेंटेंस क्या हो गया, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करो भाई, हो गया हो गया, एक नियम और लिखो, देखो हाउ 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 so to how so to t double o के बाद जब एडजेक्टिव आता है, के बाद जब एडजेक्टिव आता है, आता है तब आर्टिकल का प्रयोग, तब आर्टिकल का प्रयोग तब आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद, उस एडजेक्टिव के बाद
उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले, तथा नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। यहाँ लिखे हो हाउस और टू के बाद जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले प्रयोग किया जाता है। कैसे देखो, यहाँ लिख दें हाउ वाइन टेक के, ये कौन सा सेंटेंस बनेगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और यहाँ देखो फाइन क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ देखो फाइन क्या है? एडजेक्टिव है। और डे क्या है? नाउन। तो मैं क्या बोला हूँ फार्मूले में, हाउस और टू के बाद क्या होगा? जब एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद तथा नाउन के पहले प्रयोग होता है। अब देखो हाउ दिया ना, हाउ के बाद एडजेक्टिव है फाइन, और फाइन के बाद क्या दिया है, लेकिन इन दोनों के बीच में नो आर्टिकल यूज किया है, ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। अब ये करेक्ट क्या होगा? हाउ फाइन डे, और यहाँ क्या हो गया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। कोई दिक्कत? नोट करो।